ईश्वर का प्रेम दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए आज पासका का दूसरा रविवार है आज ईश्वरीय दया का रविवार भी कहा जाता है आज के पाठों का सारांश पहला पाठ पहले ख्रिस्तीय समुदाय ने अपनी संपत्ति सभी के साथ साझा की और किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी दूसरा पाठ जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं सुसमाचार पाठ थॉमस विश्वास करता है क्योंकि वह यीशु को देखता है धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा और फिर भी विश्वास कर लिया यौहन से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के सामने यीशु के प्रकट होने और संदेह करने वाले शिष्य थॉमस के साथ के वार्तालाप के बारे में बताता है यीशु के पुनरुत्थान के रहस्य का एक हिस्सा यह है कि वह अपने शिष्यों को आत्मा के रूप में नहीं बल्कि शारीरिक रूप में दिखाई दिए इससे पहले जॉन के गॉस्पल में जब मकदला की मरियम ने पहली बार पुनर्जीवित यीशु को देखा था तब तक उसने उसे नहीं पहचाना था जब तक कि उसने उससे बात नहीं की थी लूकस के सुसमाचार में ए माउस की सड़क पर चल रहे शिष्यों ने यीशु को तब तक नहीं पहचाना जब तक कि उन्होंने उसके साथ रोटी नहीं तोड़ी आज जैसे पाठों से हम जानते हैं कि अपने पुनर्जीवित रूप में यीशु ठोस पदार्थ से बंधे नहीं थे वह एक घर के अंदर शिष्यों को दिखाई दिए भले ही दरवाज़ा बंद था फिर भी शिष्या अभी भी उनके सूली पर चढ़ने के निशानों को छू सकते थे आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को शांति का उपहार देकर स्वागत करते हैं यीशु तब अपने शिष्यों को उस कार्य को जारी रखने का आदेश देते हैं जो उन्होंने शुरू किया है जैसे यीशु को ईश्वर ने भेजा था वैसे ही यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा वह अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा को उपहार देता है ताकि वे इस मिशन या कार्य को पूरा करने में सक्षम हो सकें अपने शिष्यों को कहे यीशु के शब्द भी पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा के उपहार के बीच अभिन्न संबंध पर प्रकाश डालते हैं पवित्र आत्मा की कृपा से हम दूसरों के साथ क्षमा और मेल मिलाप साझा कर सकते हैं आज के पाठ में संदेह करने वाला शिष्य थॉमस कलिश्य की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है जो यीशु के गवाहों के इस पहले समुदाय के बाद आता है यीशु के प्रथम शिष्यों को छोड़कर सभी को बिना देखे विश्वास करना चाहिए थॉमस की तरह हम इस खबर पर संदेह कर सकते हैं कि यीशु जिसे क्रूज पर चढ़ाया गया और दफनाया गया अपने शिष्यों को दिखाई दिया हमारा मानव स्वभाव इस बात के पुख्ता सबूत तलाशता है कि जो यीशु अपनी मृत्यु के बाद अपने शिष्यों को दिखाई दिए वे वास्तव में वही यीशु हैं जिन्हें है क्रूज पर चढ़ाया गया था थॉमस को इस साक्ष्य का प्राप्त करने में हमारा प्रतिनिधि बनने का अवसर दिया गया है वह हमें गवाही देता है कि जो यीशु जी उठा वही यीशु मर गया था पवित्र आत्मा के उपहार के माध्यम से हम उन लोगों में से हैं जो धन्य हैं क्योंकि हमने नहीं देखा है और फिर भी हम विश्वास कर रहे हैं प्रार्थना हे प्रभु ये सुख्रीस्त मेरे साथ अपनी उपस्थिति को पहचानने और अपने बचाने वाले वचन की सच्चाई को समझने के लिए मेरे दिल की आंखें खोल दो अपने जीवनदायी वचन और जीवन की रोटी से मेरा पोषण करो आमिन